बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 11 अक्टूबर 2023 समय हो गया है 08:07 AM आईबी में हो भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वीडियो स्पेशली है आईबी वालों के लिए, जो दिल्ली गेट के पास ऑफिस चलाते हैं। स्वीटी सुपारी को जो है हनी ट्रैप में इस्तेमाल किया है, मतलब स्वीटी सुपारी का जब तक स्विस बैंक अकाउंट नहीं मिल जाता, चाहे भारत में कुछ भी होता रहे, मोदी कुछ भी करता रहे, क्यों? मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूँ इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का। मैं आईबी डबल स्पॉट चीफ हूँ, करा डबल स्टॉप स्पॉट क्या ट्रिपल स्पॉट भी बन जाए, इसको बोलियो जरा, क्या कहता दिमाग जो है ना ठिकाने रखे अपना। बहुत बोल रहा था तू उस दिन, तभी मैंने तेरे को इशारा करा था, मैं हंस रहा था तुझे देख के, मैं तू पक्का मरेगा तू। इस्लामाबाद से भाग के आई हुई एक लड़की स्वीटी सुपारी आराम से मिलती है इंटरनेट में। देखो मैं इसके कारनामे बताता हूँ। इस लड़की के पास 3 करोड़ छोटी बच्चियों का रेप का डेटा है। उस रेप के डेटा को हासिल करने के लिए वर्ल्ड में जॉय बाइडन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक इसकी सैंडलें चाटने को तैयार है। तीन करोड़ बच्चियों का रेप। मैं एक ऐसा वाक्य बताता हूँ कि आज मरियम नवाज जी को भी समझ में आ जाएगा कि असली आईबी वाले होते कौन है। मैं हूँ मैडम जी, हितेश नाम है, बेल्ट नंबर छोड़ना कुछ भी हो, ये आज रेड ऑर्गेनाइज हो चुकी है आईबी 1771। कह रहा ऐसा कुछ भी करने ले, 17-17 बेल्ट नंबर हमने बताया, साढ़ा का थप्पड़ दूंगा हरामी के बच्चे। आईबी लिखा है ना, बेल्ट नंबर जरूरी नहीं है, बेल्ट नंबर जरूरी नहीं है, सबको पकड़ा वहीं पे। ये जो अंकुश लड़का मोटरसाइकिल पर घूमता है ना, स्वीटी सुपारी का गुर्गा है ये, छोटी बच्चियों का रेप। ये जो तनिष्क है, छोटी बच्चियों का रेप, ये तनिष्क, ये अनवर खान के मकान के सामने जो रहता है, हाँ मेरे लौंडे का दोस्त बना फिरता है, जो मेरे घर में आ रहा है। मेरी बिटिया धान्या तक को जो है रेप की धमकी दिलवाई है इसने, स्वीटी सुपारी ने, तब से पिट रही है ये तबीयत से। मैं एक ऐसा वाक्य बताता हूँ, पाकिस्तान में इस्लामाबाद असेंबली में जब मरियम नवाज पहुंची एक दिन, ब्लैक कलर का सूट पहना था, ठीक है, तो इमरान खान देख के हंस रहा, अरे क्यों मैडम, सुन तो ले इधर, वो झपटा तो मरियम नवाज करी, क्या क्या बकवास है ये पागल वागल है क्या? तो बस ये बात वहां पे सिक्योरिटी वालों को बुरी लग गई। ये एक ऐसा वाक्य है कि यहां से एक मामला खुला, तब कहता इमरान खान, कह रहा तेरा तो तारुस होगा और यही होगा, क्यों भाइयों? तो सब हंसने लगे, टेबल थपथपाने लगे, तो मरियम नवाज 2 मिनट रुकी वहां पे, बैठी, कह रही अच्छा। तो धीरे से ना मरियम नवाज के कान में किसी ने कुछ कहा, बगल में एक औरत बैठी थी, कह रही आ तो गई है, बाहर जाएगी कैसे? और बाहर जो स्पीकर बैठा था पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, ठीक है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो स्पीकर बैठा हुआ था, वो भी कह रहा आसरा, अरे मैडम कोई बात नहीं, हंसी मजाक है, जब होगा तब देखेंगे। क्या ढूंढ रहे हो मैडम आजकल? तो मरियम नवाज को पाकिस्तान में लाहौर पुलिस ने काम दिया था, महिला सेल ने, कि लाहौर में एक ऐसी लड़की है जो फिल्म सीरियल शूटिंग्स के बहाने, इसी वजह से मरियम नवाज जो है सफदर रवान के सीरियल में काम करने को तैयार हुई। कुछ फाइल मेरे पास भी हैं, और आज ये स्वीटी सुपारी का केस क्लोज होता है, ये क्लोजर रिपोर्ट है, डिस्क्लेमर के साथ है, जीवित मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तुम मरो या जियो, पुलिस रिपोर्ट नहीं होने वाली बेटा। मतलब कहने का ये, मैंने तुम्हें मारने के ऑर्डर भी दे दिए हैं और मेरे पे केस भी रजिस्टर्ड नहीं होगा,
आराम से करके खेल निपटा के निकल जाएंगे हम लोग। आई बी असली वाले हैं, बेल्ट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सबकी माँ चुदवाऊंगा बहन के लौड़ा एक एक की, जो जो वहाँ मौजूद था ना छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, पक्की माँ चुदवाऊंगा तुम्हारी बहन के लंडो। मेरे से कह रहे यार तू सूटी सवारी के साथ काम कर ले। सूटी सवारी तो इसकी बहने, इसकी माँ इस्लामाबाद से भाग के आया हुआ पूरा गैंग ईरानियन है। पहली बार ही जो है मैंने देखते ही जो है उस दिन वहीं पे कह दिया छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, मैं तो ईरानियन है, ये तो बहन की लोड़ी पाकिस्तानी है, वहाँ की चूत इसकी वाया ईरान आई हुई है। मेरी टीम इसे हटा कर ले गए, चल निकले यहाँ से भाई के नज़दीक में। स्वीडी सुबारी ने मरियम नवाज को क्या कहा मैं बताता हूँ। एक पता नहीं कोई मीटिंग थी, पता नहीं कहाँ थी, एक फंक्शन था कुछ शायद। मरियम नवाज बैठी हुई थी और बगल में स्वीटी सवारी बैठी थी, एक फैमिली गैदरिंग, वो क्या कहता फीमेल गैदरिंग थी, ऑफिसर्स बैठे थे फीमेल। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब केस चल रहा है, छोटी बच्चियों का बलात्कार बहुत हो रहा है, ये कैसे बात होगी, प्रेगनेंट्स भी हो रही हैं, ये कैसे मामला सुधरेगा, पता कैसे लगे। तो स्वीटी सवारी बगल में बैठी हुई थी, लड़की है जी हाँ, ये कहती मरियम नवाज को कि रेप के मामले में जांच करनी है, सोच समझ के, कल को कहीं तेरा भी रेप ना हो जाए, ऐसे ही होते हैं ये। कह रही वो तो देखेंगे बाद में। फिर उसने एक बात में भी कुछ दिन पहले उसको कहा मरियम नवाज को, कह रही तेरा भी तो रेप करने वाला आ गया मेरे बारे में बोल गया। तो मरियम नवाज कह रही वो गाली दे रहा, वो ऐसा आदमी है। तो वो कहती मरियम नवाज ने कहा, कह रही को तेरा नहीं हुआ, तो मरियम नवाज को बोला कि तेरा रेप नहीं हुआ अब तक, कह रहे नहीं, कह रही बचपन से ऐसे ही बड़ी हो गई है, ठीक है हो जाएगा, कह रहे तेरी तो मारेगा दबा के, मेरे बारे में कह रही। ये देखो ये महिलाओं की आपस की बातचीत है, ये महिला पुलिस ऑफिसर बन रही है ये। तो मरियम नवाज ने कहा कि वो तो छोड़ बाद में देखेंगे। तब से लेके अब तक जो है मरियम नवाज पे कई अटेम्प्ट हुए, पर मरियम नवाज ये नहीं पता लगा पाई कि वो लड़की है कौन, वो डेटा कहाँ है। तो मरियम नवाज जी वो लड़की है स्वीटी सुपारी, जिसके पास 3 करोड़ छोटी बच्चियों के बलात्कार का डेटा है, और स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट जिसके लालच में आईबी और आईएसआई वाले इसको संरक्षण दे रहे थे। खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बाइडन की एक वीडियो है जिसमें वो ये कहता है यार ये लड़की हाथ लग जाए, आई वांट दिस गर्ल्स एंड कंप्लीट डेटा ऑफ। जी हाँ मिस्टर बाइडन, वीडियो मेरे पास है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, CIA ने कह दिया, कह रहा कि इस लड़के को इस लड़की से दूर रखना, बहुत महंगा सौदा हुआ। बाइडन ने ये तक कहा कि इसको तो हम बचा लेंगे लड़की को, पर तुम मेरे बारे में बोला, कह रहा इसको मत आगे आने देना चाहे कुछ हो जाए, पर ये डेटा चाहिए। CIA कहता यार क्या डेटा है, प्लेबॉय से हम सौदा कर लेंगे, वर्ल्ड की कई एजेंसियों ने सौदा किया, मोदी हो चाहे राजनाथ हो, आसानी से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में घूमने नाचने वाली और सरकारी ऑफिसों में अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ऑफिसर बताने वाली स्वीटी सुपारी, जी हाँ इसी डेटा की सप्लाई में एक आधा वीडियो दिखा देती थी। ये डेटा रेप और कैनिबलिज्म से जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट होल्डर स्वीटी सुपारी, जिसका स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का नाम रंडी है, मैं बार बार इनको इशारा कर रहा था शुरू से, कई औरतों को मैं इसे पकड़ इसे जब गाली देता था रंडी, ये है स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट जिसके अंदर अमाउंट
76 लगवाती थी, 76 रेप केस, झूठा रेप केस दर्ज करवाने वाली, और संजय अरोड़ा की चहेती, ये सबकी बेटी है बेटी, संजय अरोड़ा हो चाहे जीडी बख्शी हो चाहे जनरल वीके सिंह हो, जनरल वीके सिंह की तो दुलारी है, मेरी बिटिया कैसी है, दो चार रेप वीडियो वहीं सरका दी जाती थी, ठीक है, और भयंकर ब्रूटल रेप वीडियो सप्लाई करने वाली ये लड़की ऐसे जिंदा थी है। और इसकी माँ बहने यही घूमती हैं, बल्कि मरियम नवाज ने उस दिन भी कहा, बहुत देखा यार, देखना भी इस लड़के के साथ क्या होता है। मेरी बिटिया के स्कूल में तनिष्क और अंकुश को बहाने से भेजा गया डेटा ढूंढने के लिए, और कुछ लड़के और आचार्य तुलसी स्कूल का पिछला जो प्रिंसिपल था वो भी मेरी बिटिया का डेटा इसीलिए ढूंढने गया था, ठीक है। और एक मैडम मेरी बिटिया के स्कूल में इसी काम में लगाई गई थी, स्वीडिश बारी, अरे ये क्या आईबी वाला यार, आईबी में मैं हूं, तू कहां से आईबी में, भोसड़ी की, तू आईबी वालों ने अरेस्ट करी है मां की लौड़ी, और तेरे जो बहन के लौड़े क्या कहते हैं इंस्पेक्टर बने पड़ फिर रहे हैं, सबकी गांड में बांस चढ़वाऊंगा आज रात को, ढूंढ बहन के लौड़ों को कौन कौन है, किसने इसको अरेस्ट लिया था, स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट के पैसे के लालच में ये भोसड़ी वाले, अबे गोली मारना मां के लौड़े उसको, उसके पूरे नेटवर्क को गोली मार, वरना आसानी से एक एक वीडियो के लालच में संजय अरोड़ा तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इसको रोक इसका पैसर, और रंडी के बीज 76 नंबर जीबी रोड का कोठा, जी हाँ इसी बहन की लोड़ी की वजह से चलता है, चूतिया समझ रही तू मुझे, चूतिया समझ रही है तू मुझे, जी हाँ दिल्ली के जीबी रोड पे 76 नंबर कोठे में रहने वाली स्वीटी सुपारी, चोदना सिखा रही तू मुझे इस उम्र में बहन खिलौड़ी है, तेरा घर नहीं बता सकता मैं, तू कहाँ रहती है, जी हाँ दिल्ली के जीबी रोड के 76 नंबर कोठे के अंदर ये और इसका पूरा गैंग रहता है, उसी माँ की लौड़ी ने यहाँ सबको बोला, रहे आई बी वाई भी हम देख लेंगे, फिर बहन की लौड़ी असली वाला हूँ, डबल स्पॉट चीफ हूँ, अब तेरी गांड में ऐसा बांस चढ़ाऊंगा ना तो तू जिंदगी भर याद रखेगी, यही है मुझे मालूम है, अरेस्ट हमने ले रखी है, मैंने उठा ली थी, अब आई बी वाले ढूंढे हैं बहन की लौड़ी है कहाँ, हम समय समय पर इसको बाहर लेके आए और फिर घुमाएं, जरा बहनगढ़ बी आई सिस्टम के अंदर जो अपने आप को साहब कह रहा था वो माँ का लोड़ा भी जो है दो चार रेप वीडियोस देखने के बाद उसके भी मुंह से लार गिरने लग गई थी, खुद राष्ट्रपति भवन से लेके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डीजी तक, बेटी है मेरी, बेटी है तो बिटिया मेरी, हाँ धान्य मशीन एंड टूल्स है, मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग अभी लिखवा लेंगे, यो बेटी है ना, इसी बात की धमकी मुझे सुमन ने भी दी थी, जी हाँ सुमन ने, मेरी अम्मा ने, मैं उसी दिन से तुझे पसंद नहीं करता, तू जो बात तूने कह दी थी ना मुझे, मैं समझ गया था, इसी बात की धमकी मुझे भुवनेश्वर राणा ने भी दी थी मेरी बिटिया को देखने के बाद, अब तो बड़ी हो गई है, और ये बात है अब से 3 साल पहले की, 4 साल पहले की, तो अभी तक 6th क्लास में आई है, सोचो 4 साल पहले 6th क्लास में आई है, अब तो अब 6th में आई है, ये रियलिटी है। स्वीटी सुपारी ने कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैसा बांध रखा था, और इसने स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट नंबर नेम RANDI रंडी और उसका पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर्स में डाला, जिसकी शुरुआत 70 से होती है और बीच में एक नंबर #OK है, पूरा लिख के भेज दिया मैंने, इतनी सी बात,
कहते हैं जब जिसके पापों का न्याय होना तब होता है। इस कॉलोनी में प्रोस्टिट्यूशन की लीडर बनी हुई स्वीटी सुपारी आराम से मैदानगढ़ी एक्सटेंशन में कुछ लोगों के साथ रहती है और आईबी ऑफिसर मुझे धमकी देते हैं कि इसका अकाउंट जो है भारतीय जनता पार्टी में, तो तौबा तौबा बीजेपी कमिश्नर कैसे बनेगा। अरे मैडम एक एक को मार देंगे हम, बोली। न्यूज कैसे चेंज होगी ये देखना, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। खुद मेरी बिटिया के स्कूल के गेट की गेटकीपर भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, पाकिस्तान बारादारी और रईसी गैंग। करे यार तुम जाओ यार, आईबी वाले हमें, तू आईबी वाला है और ना हुआ तो कागज पे सिर्फ 6 नंबर लिखने से आईबी में नहीं हो जाता कोई। तुम पूरी जिंदगी लगा दोगे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा तुम आईबी वाले कैसे बनोगे पूरी जिंदगी, क्यों मैं भर्ती करता ही नहीं। पर जिसकी भर्ती मैं करने पे आ जाऊं उसकी भर्ती कोई रोक सकता नहीं। पर अगर गद्दारी करी तो वो साला काम से गया। मेरे साले तक ने धमकी दी थी इसी बात की। लगे आप बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिक्की नाम है आपका, फरीदाबाद से हैं। आप चिल्ला रही थी अभी फोन में आपके बेटे को मारा पीटा गया है। आप पुलिस कंप्लेंट करा दो, इन्फॉर्मेशन भेज दिया मैंने, हमला किसने किया आपके बेटे पे, थाने में पता लग जाएगा आपको। तो आप किसी और के नाम से लेकर फोन मत करो मुझे। कह रही कितनी भी सिक्योरिटी हो 2 मिनट का खेल है मेरे लिए। तो देखा ना वो इधर क्या लड़की इधर गायब कर दी ना, बीच में से गायब हो जाती है। मैडम मेरी आंख से ओझल हो सकती है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद क्या किया था हमने? यही काम इसने इस कॉलोनी में पुष्पा रेनू जिनके घर में लड़के हैं ना, लड़की नहीं है, उनको सिखा रखा है। तुम तो राजा हो। रेनू ने जब मार खाई ना, रेनू ने भी और उसके लड़कों ने भी और उसके पति ने भी, तब सुधरे। और यही हाल ज्योति आंडा का भी हुआ जब तबीयत से पिटे सब के सब। मेरी बिटिया की तरफ नहीं देखना है? बच्चे खेल रहे हैं। तब उसके बाद रेनू के दोनों बच्चे जो है ना, कहते हमारी छोटी बहन है। अब सीख रहा है बेटा, अब सीख रहा है, अब सीख रहा है। जी हाँ, स्वीटी सुपारी ने ही अंकुश को और तनिष्क को मेरी बिटिया के स्कूल भेजा था। तेरा बहुत बुरा असर होने वाला है, 150 पाइप तोड़ दे इसको साइड में ले आकर। चल मैडम डेटा बताएगी अब ये, बता तो मैं भी सकता हूँ कहाँ है, पर तो खुद ही बता दे। एसर का सीपीयू, एसर का सीपीयू भाई साहब लेके घूमते रहते हैं। एसर का सीपीयू पाकिस्तान से आया प्योर गैंग वही लोग हैं। हाँ जी, मरियम नवाज शरीफ की आधी उम्र बीतने जा रही है पर इसे ढूंढ नहीं पाई कि ये लड़की कौन थी। मैडम वो स्वीटी सुपारी है, रियल इंसर्जेंट। इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट होना कोई तमगा नहीं होता। जिन्हें ढूंढ रहे हो ना तो हम ढूंढ ही लेंगे। एक दिन कह रही है मरियम नवाज को देख के,
डार्लिंग आईबी वाले हैं, आईबी वाली है तू। अच्छा जी, बुला ले सबको स्पॉट पे। कौन कौन था इसके साथ, किसने अरेस्ट लिया था सूटी सिपाही को, पूरी लिस्ट निकाल। मैंने उसी दिन कहा था थाने में, मैंने कहा इनको आईबी वालों से तो मैं निपटूंगा, मैं बताता हूँ ना आईबी वाला है कौन। भारतीय जनता पार्टी, अपूर्वा सिंह, अगला नंबर अपूर्वा सिंह का है। या तो अपूर्वा सिंह तो खुद बक दे, या तो तू खुद बक दे। अगर अगर रैक में तेरी फाइल आ गई मेरे हाथ में तो सोच ले तेरा मैं क्या करने वाला। सबको बुला के ला, इसी की वजह से हाँ मेरी इंस्टॉलेशन में आईबी वाले बैठे हैं बन के, इधर आ बे भूतनी के। सबको बुला, बड़े प्यार से भारत में पुलिस विशिष्ट पुलिस सेवा मेडल लेने के लिए स्वीटी सुपारी के अरेस्ट दिखा करके अपना नाम लिखवाने वाला सारे अफसर इधर आ जाओ बेटा। हाँ, जब तक स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट नहीं मिलता, पर पैसा कहाँ से खा रहे थे हरामियों के, इधर आ जा। एक एक को लेके आ, मुसाद इनको निपटाएंगे हम, ले गया एक एक को। साले नकली आईबी वाले, मैं एक दिन देख रहा, मैंने कहा इनको स्पॉट नहीं समझ में आ रहा, इनको बंदे नहीं समझ में आ रहे, तुम आईबी में हो। अजीब अजीब से आए जा रहे, नहीं आईबी में। अच्छा जी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे। स्वीटी सुपारी तुम्हारी दिल्ली की आईबी चीफ है, लटका दे इसको। अबे सीधी लटका, पैर के बल मत लटका, पानी बाद में चढ़ाएंगे इसके, पहले 150 पाइप खींच दे और पहला पाइप मुंह पे पड़ना चाहिए, पूरी जान से तोड़ दे 10 पाइप इस पे। डेटा सर्वर तू बताएगी, कुछ तेरे लिए भी छोड़ देते हैं, बाकियों को भी टांग दो। मुसाद काम हो जाना चाहिए, स्वीटी सुपारी को अरेस्ट करने वाला एक एक ऑफिसर चाहिए मेरे को। साले भोसड़ी के, और इस अकाउंट में स्वीटी सुपारी ने 76 की पावर करोड़ ट्रिलियन नहीं है, 92 करोड़ इंडियन रुपीस। स्वीटी सुपारी ने इसमें 3 करोड़ रेप डेटा से कमाया हुआ पैसा रखा हुआ है, और खुद कई देशों में रेप करवाने का नेटवर्क चलाती है, चाहे फिल्म के द्वारा ही। अब तो देखने में काफी चेंज हो गई है, ठीक है ठीक है। आईबी असली वाले, ठीक है। मोसाद ढूंढो एक एक को, लगा रहे फ्रिज में।